अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है और उसका टॉपिक है कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशंस क्या होती हैं? बेसिकली ये जो कंप्यूटर का सिमुलेशन में रोल होता है ये आप जानते तो हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि आप कहाँ पे कंप्यूटर को एज अ सिमुलेशन यूज कर रहे होते हो। सिमुलेशंस का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि अगर आपने एक काम सीखना है, लेकिन आप उसके दो तरह से उसको सीख सकते हो, या किसी को देखकर या खुद करके। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम पहले काम को देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको देख देख कर फिर कोशिश करते हैं उसको मुख्तलिफ स्टेप्स में करने के लिए। आम तौर पर जब कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे, हमने किसी के पास जाना है और उससे काम सीखना होता था तो हम क्या करते थे, उसके पास टाइम लगाते थे, वो जो काम करता था हम उसको देखते थे, और फिर कुछ अरसे के बाद हम उसके कुछ स्टेप्स को फॉलो करते थे और प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करते थे। तो इस तरह हम उस काम को सीख पाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन अब ट्रेनिंग को हमारी ट्रेनिंग के लिए अब कंप्यूटर ने जो किरदार अदा किया है वो कोई और नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स के जरिए हम उन कामों की ट्रेनिंग ले सकते हैं जिन कामों को हमने किसी भी बंदे से नहीं सीखा, किसी के पास जाकर नहीं सीखा। तो हम जस्ट कंप्यूटर पर उसकी वीडियो या उसकी एनिमेशन से या उसकी सिमुलेशन से जो हम काम सीखते हैं, बेसिकली हम उसको कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं। और कंप्यूटर सिमुलेशन में आप इस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन में जो ट्रेनिंग लेने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक होता है। उसमें आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप बिल्कुल जैसे असल इन्वायरमेंट में हैं होते हैं, और वाकई आपके सामने सब चीजें होती हैं और आप खुद उनको विजुलाइज कर रहे होते हैं, उनको थिंकिंग कर रहे होते हैं कि आप प्रैक्टिकली एंड फिजिकली आप ऐसा कर रहे हो। तो कंप्यूटर सिमुलेशन में इस तरह का माहौल होता है कि आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो, लेकिन आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप हकीकत में वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन वो होती टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। तो चलकर आगे बताते हैं ये किस तरह। मसलन ये कुछ आप पिक्चर्स देखें। अब ये जो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, इसमें वो कंप्यूटर को यूज कर रहा है और उसके सामने पूरी स्क्रीन है, और साथ यहाँ पर ये देखेंगे गॉगल्स भी हैं। यहाँ से इस ये इमेजिन कर रहा है कि ये जैसे इस पूरे इन्वायरमेंट में फिर रहा है, यहाँ पे ये स्पेस में ये फिर रहा है, इसको लग ऐसे रहा है। हालांकि और ये देखें जरा गौर से, इसने लीवर को ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे ये एयरक्राफ्ट चला रहा है, जैसे ये जहाज को चला रहा है, ठीक। और ये थर्ड में आप देखें, ये कोई ओरिजिनल बेबी नहीं है बल्कि ये डमी बेबी है, और यहाँ पर मुख्तलिफ इसको इंस्ट्रूमेंट लगाकर यहाँ पे स्क्रीन पर इसको टेस्ट किया जा रहा है कि क्या इससे नतायज बरामद होते हैं, और ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये ओरिजिनल बेबी है। तो हम ये कह सकते हैं, अब जरा इसकी डेफिनेशंस को अगर हम पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ कंप्यूटर मॉडल। ये कंप्यूटर का वो मॉडल है, इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल होता है लेकिन हमें हकीकत के करीब तर लेके जाता है, और इस मॉडल के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। द मॉडल कैन यूज टू ट्रेन द पीपल। और ये जो कंप्यूटर का मॉडल सिमुलेशन के तौर पर हम यूज करते हैं, इसके जरिए वी कैन ट्रेन द पीपल। कंप्यूटर सिमुलेशंस आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम। लास्ट टाइम भी मैंने एक बात की थी, अब उसको दोबारा दोहरा रहा हूं कि फर्ज करें आपको ये तो बताया जाता है डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, बट यू कैंट नो हाउ।
डेटा तो ब्लूटूथ के जरिए से भी ट्रांसफर हो जाता है। आज अगर आप ब्लूटूथ के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करें, या एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन में, या एक डिजिटल मशीन से दूसरी डिजिटल मशीन में आप डेटा ट्रांसफर करते हैं विद यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वो डेटा तो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कैसे होता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, वो किस तरह होता है, उसमें क्या सीक्वेंस होता है, उसमें डाटा कैसे पैकेट्स बनाता है, डिवाइड कैसे होता है, फिर सीक्वेंस को कैसे असेंबल करता है, और फिर किन किन लेयर्स पे काम करता है, इसके लिए आपको एक कंप्यूटर मॉडल्स की जरूरत होती है, एक आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम समझने की जरूरत होती है, जिसमें वो कोशिश करता है कि आपको वो समझा सके कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कैसे होता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ एनिमेशन सिमुलेशंस होती हैं, जिसके जरिए से आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आप एजुकेशन में पता चला सकते हैं कि एक डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कैसे होता है। मसलन इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि द सिमुलेशन ऑफ एरोप्लेन इज अ पार्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग। पहले जब सिमुलेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो जो पायलट होते थे वो एयरक्राफ्ट फिजिकली वहां पे ट्रेनिंग लेते थे, और अक्सर औकात उनको हादसा भी रुनुमा हो जाते थे, और जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसानी जान का नुकसान होता था बल्कि एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचता था, और इस तरह प्रॉब्लम्स हो जाते थे। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से एंड कंप्यूटर रेवोल्यूशन की वजह से अब क्या है कि अब ऐसा एक आर्टिफिशियल मॉडल सिस्टम बन गया है कि आप उस पे बैठकर बकायदा लीवर्स होते हैं, उसी तरह उसके पार्ट्स होते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप रियली कोई एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन आप उड़ा रहे होते हैं। तो द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग सिमुलेशंस के जरिए। बहुत सारे आप जो कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा और जो मुश्किल होते हैं एक्सपेरिमेंट आप यूज कर सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं। मसलन अक्सर आपने स्टूडेंट्स, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं इसलिए मुख्तलिफ आप मॉल्स में जाते होंगे, शॉपिंग मॉल्स में, तो वहाँ सबसे ऊपर एक आपको गेमिंग एरिया नजर आता है जहाँ पर बहुत सारी गेम्स होती हैं। वहाँ पर कुछ इस तरह की बाइक्स भी होती हैं जहाँ पर आप बैठकर रेसिंग भी दे रहे होते हो, उसका क्लच भी होता है, उसकी ब्रेक्स भी होती हैं, लेकिन सामने स्क्रीन लगी होती है, आप इधर से एक्सीलरेटर घुमाते हैं तो वो उधर आपको स्क्रीन पे ऐसे नजर आता है कि हकीकत में आप रियली आप इसको बाइक को चला रहे होते हो, और वहां से आप बाइक चलाना सीख सकते हो कि कब एक्सीलरेटर ज्यादा करना है, ब्रेक किस वक्त लगानी है, क्लच का कैसे इस्तेमाल करना है, गियर कैसे लगाने होते हैं। तो आप उस सिमुलेशन से, आप उस कंप्यूटर सिमुलेशन से यू कैन लर्न हाउ टू ड्राइव अ बाइक विद आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम। सो देयर आर सो मैनी कंप्यूटर सिमुलेशंस विद विच अ स्टूडेंट कैन लर्न, अ डॉक्टर कैन लर्न, अ इंजीनियर कैन लर्न, अ लॉयर कैन लर्न, एंड साइंटिस्ट कैन लर्न। सो देयर आर सो मैनी कंप्यूटर सिमुलेशंस आर नाउ हियर, और आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, इस पे इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। आप जरा इमेजिन करें, मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर एक पायलट एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग लेने के लिए इस्तेमाल करता है और पहली ट्रेनिंग में उसको हादसा हो जाता है, तो आप जरा जरा इमेजिन करें, माली नुकसान तो होना ही होना है, एयरक्राफ्ट का तो नुकसान होना ही होना है, जानी नुकसान भी हो जाता है, और जिसकी हम कॉस्ट जो है वो पे नहीं कर सकते, मतलब इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। तो कंप्यूटर सिमुलेशंस में कम कीमत में हम ज्यादा ट्रेनिंग ले सकते हैं, इससे ज्यादा फायदा ले सकते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इजीली। और हम इसके लिए हम बहुत सारे आदमियों को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बन जाता है और उस सॉफ्टवेयर को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी पर्पस के लिए, रिकॉर्ड पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं होता कि नहीं जी हमने चार बंदों को सिखाना है तो उसके बाद ये बैठ जाएगा सिस्टम, या पांच बंदों को सिखाना है ये थक जाएगा सिस्टम। नो, देयर 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 कैन बी मोर देन वन पर्सन कैन
get a training without any time, without any type of tiredness and suffocations and so on. The last benefit is that the same simulation can be used on multiple computers. हम इसको एक से ज़्यादा computers पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो use कर सकते हैं. अगर फर्ज करें हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर है और हम उसको तीन चार कंप्यूटर्स पर, बहुत सारे कंप्यूटर्स पर डाउनलोड करके हम मुख्तलिफ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं. मसलन इफ द सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग एंड माय फ्रेंड नीड दैट सॉफ्टवेयर फॉर अ ट्रेनिंग ट्रेनिंग फॉर द सेम पर्पस, सो आई कैन शेयर अ कॉपी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर एंड देयर एट होम ही कैन download that software copy on his computer and he can get the training as I was getting training at my home. So this was the computer simulations. These are the examples and these are the benefits why computer simulations are very important. I think it would be very helpful for you this lecture. And please read with concentrations after listening this lecture and read a book. Thank you.